सफलता का पहला स्तंभ, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। क्या सफलता के काफी सारे स्तंभ है, पिलर्स बोलते हैं जिसको, खंभे कि जिसके ऊपर सफलता खड़े रहती है। और उसमें एक है कि भाई आपका जो वचन है उसका पालन करो और प्रामाणिकता से काम करो। उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप इंटीग्रिटी में है, इंटीग्रिटी है। और इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि भाई लोग जो भी मंजूर किया हुआ है, जो भी जैसा भी जहां भी मंजूर किया है वैसा उसका पालन करते हैं। जैसा शादी में कुछ मंजूरी की है, मियाँ बीवी जब शादी करते हैं तो उसका पालन वैसा करना है। कहीं सर्विस करते हैं तो सर्विस में आपने कुछ मंजूरात दी हुई है कि भाई मैंने ऐसा करूँगा, वो उसका पालन करना है। जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ उसूल है, उसका पालन करना है। मतलब जब ऐसा पालन करते हैं तो एक्चुअली फिर काम होता है। एकदम जो हाईएस्ट लेवल है, बहुत ही उच्चतम स्तर जो है इंटीग्रिटी का, वो है कि कुछ भी छुपा के नहीं रखना, पारदर्शकता रखना, बिल्कुल पारदर्शक, कुछ भी छुपाने का नहीं है, एकदम प्रामाणिकता से काम करना है, और उसको बोलते हैं फिर इंटीग्रिटी। जैसा करना चाहिए वैसा करना, जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से करना, और कंप्लीट करना, अपूर्ण नहीं करना, आधा अधूरा नहीं करना, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। और ये यदि करते हैं तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त हो जाता है। उसको ये भी बोलते हैं कि भाई अपने शब्दों को मान सम्मान दो, ऐसा भी इसको बोलते हैं। अभी ये तो बहुत हाइयर लेवल हो गई, कौन सी कि बहुत ज़्यादा पारदर्शकता रखो, प्रामाणिकता से काम करो, एकदम ऑनेस्टली करो, ट्रूथफुली करो, जैसा करना चाहिए वैसा करो, एकदम अपन छोटी लेवल देखते हैं, एकदम पहली लेवल प्राथमिकता। तो वो ये है कि आपने जो बोला वो करो, और जो समय पे बोला हो समय पे वो करो। जो शब्द आपने दिया है कि मैं ये काम करूँगा और ये काम ये समय पे करूँगा, तो वो समय पे वो काम आपने करने का है। उसमें होता क्या है कि उसमें वर्केबिलिटी आती है, सामने वाले को मालूम पड़ रहा है कि नहीं इसने बोल दिया है काम करूँगा तो काम करेंगे, उसको मालूम है इतने बजे काम होगा तो उतने बजे काम होगा, आपको भी मालूम है कि इतने बजे काम करना है, तो आप वो हिसाब से अपना प्लानिंग करेंगे। और काम में बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट्स ये तरह से यदि काम करें तो आ सकते हैं। और जब आप जो बोला है वो नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है, जो बोला है नहीं कर सकते उस समय क्लीन अप कर देने का है, साफ सफाई करने की है कि नहीं मैंने बोला था मैं करूँगा, मैंने किया नहीं, मैंने बोला था मैं समय पर करूँगा, मैंने किया नहीं, ऐसा जिसको शब्द दिया है उसके पास में जाके साफ सफाई करनी है, क्लीन अप करने का है, तो उससे भी काफ़ी अच्छी वर्केबिलिटी आती रहती है। इससे होगा क्या, इससे लाइफ में बहुत इजी मतलब आसानता आ जाएगी, लाइफ आसान हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि ये काम बराबर हो रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई आसान नहीं है, मतलब ऐसा करना करने के लिए बोले तो, क्योंकि भाई समय पे करो, समय का पालन करो, जो समय पे बोला समय भरो, पारदर्शकता रखो, प्रामाणिकता से करो, करना कठिन है, मगर ये करते हैं और कठिनता से भी है और कठिन तभी भी कर रहे हैं, मगर उससे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए सफलता का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, स्तंभ है कि भाई आप इंटीग्रिटी मेंटेन करो, शब्द का पालन करो, जो शब्द आपने जिसको दिया उसका पालन करो, पारदर्शकता से काम करो। और ऐसा बोलते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो बोला वो करो, वॉक एज यू टॉक। थैंक यू वेरी मच।